चलेगा। जम्मू में लव जिहाद नहीं चलेगा, नहीं 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 चलेगा। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। लव जिहाद पर कानून लाओ, कानून लाओ, कानून लाओ। लव जिहाद पर कानून लाओ, कानून लाओ, कानून लाओ। लव जिहाद पर कानून लाओ, जस्टिस, वी वांट जस्टिस। जम्मू में लव जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लव जिहाद पर कानून लाओ, कानून लाओ, कानून, कानून लाओ, कानून लाओ, कानून लाओ। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट लव जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जम्मू में 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 लव जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट। जी सर, हम बताना चाहते हैं जिस तरह कश्मीर में दो लड़कियों का मामला सामने आया है, जिसमें लव जिहाद का मामला सामने आया, और कल ही उधमपुर में एक मामला और सामने आया है लव जिहाद का। तो हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले काफ़ी सदियों से, बहुत सदियों से ये जो मामले चल रहे हैं लव जिहाद के, और यहाँ मैं आपको पर्टिकुलरली एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हर साल कुछ ना कुछ लड़कियाँ सिख कम्युनिटी की, जो कश्मीरी सिख कम्युनिटी हैं, उनकी लड़कियाँ फोर्सिबली उनको कन्वर्ट किया जाता है। कुछ मामले सामने आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। उसी तरह मीडिया की मदद से जो कश्मीर के मामले सामने, और जो कल उधमपुर का मामला सामने आया है, उसमें ये साफ दिखा गया है कि उस लड़की के साथ अत्याचार हुआ है, उस लड़की को कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है, उस लड़की को फोर्सिबली ये कहा गया है कि आप हमारे फादर इन लॉ के साथ रात गुजारिए या उनके साथ रहिए। तो इस तरह के जो वर्ड मेरे मुंह से निकल रहे हैं, मैं बोलना भी नहीं चाहता था, पर यहाँ सिचुएशन ऐसी जम्मू कश्मीर में बन चुकी है कि लड़कियों का यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। उसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लड़कियाँ बात करती हैं, आज लोग बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो वुमेन सेल जो आज बनी हुई है, वहाँ पे जो लेडी इंस्पेक्टर है, ये जो लेडी आयु है परवीना मैडम, वो उस लेडी को जब वो इंसाफ मांगने जाती है वहाँ पर कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो उस वक्त जो परवीना मैडम वहाँ पे कहती है उनको कि आप अपने सुसाइड कर लीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा कहना ये है कि यहाँ धर्मांतरण की कोशिश, लव जिहाद जोरों शोरों से चल रहा है, इस पर सरकार को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए, और संज्ञान के साथ साथ इस पर जड़ कड़ा कानून बनाना चाहिए। अगर ये कड़ा कानून यहाँ पे नहीं बनाया जाता है, तो जैसे 1990 में कश्मीरी वहाँ से यहाँ वापस आए थे, जो जेनोसाइड हुआ था, ये भी उसी का ही एक पार्ट है। आप समझ लीजिए, ये जो लव जिहाद है, ये भी जेनोसाइड का एक पार्ट है, यहाँ जम्मू से लोगों को भगाने के लिए। तो इस पर कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए, ताकि यहाँ पे लोग सुरक्षित रह सकें, हमारी बहनें सिख कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी सुरक्षित रह सकें, उनकी बहनें सुरक्षित रह सकें।